नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने निजी दौरे के दौरान वो उत्तराखंड आए हुए थे। आपको बताएं कि दो दिन के दौरे पर वो उत्तराखंड आए थे। मनीष सिसोदिया का ये उत्तराखंड दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने आप कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और इसके साथ ही कैची धाम में उन्होंने दर्शन किए भगवान के और पूजा अर्चना की। तो यहीं आपको बताएं कि बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो निजी दौरे के दौरान उन्होंने आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। हालांकि उत्तराखंड का ये दौरा मनीष सिसोदिया का निजी दौरा था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने यह कहा है कि त्रिवेंद्र रावत अपने 4 साल के कार्यकाल में केवल 5 काम उत्तराखंड की जनता के लिए सामने नहीं रख सकते, जो उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए किए हों या प्रदेश की जनता का उन कामों से कुछ भला हुआ हो। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने देवभूमि की बात मनीष सिसोदिया के साथ कार्यक्रम में लोगों के साथ जनसंवाद भी किया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनौती दे रहे हैं कि वो इस लिहाज से किसी भी मुद्दे पर खुली बहस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास उत्तराखंड की जनता को जवाब देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। उत्तराखंड राज्य में केवल इतना ही है कि हरीश रावत त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और त्रिवेंद्र रावत हरीश रावत के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों उत्तराखंड के स्टिंग मामलों में फंसे हुए हैं। तो आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया का 2 दिनों का ये उत्तराखंड दौरा था। अपने निजी दौरे पर वो उत्तराखंड आए हुए थे, लेकिन उन्होंने आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके साथ साथ मन की बात मनीष सिसोदिया के साथ में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तमाम जानकारी के साथ रतन नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका पहले रुख करूंगी। रतन, क्या कुछ जानकारी, 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर आए थे मनीष सिसोदिया, क्या क्या कार्यक्रम उनके हुए और उसके साथ साथ क्या वो दिल्ली के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं? मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए जरूर, यहाँ पर राजनीति में यहाँ पर हलचल पैदा करके चले गए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से इस बात को यहाँ पर कह दिया है, पत्रकार वार्ता के द्वारा ऐलान कर दिया है कि जो आम आदमी की पार्टी है वो जल्द ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान यहाँ पर करेगी, इसके लिए वो जनता से बात करेगी, इसके लिए वो कार्यकर्ताओं से बात करेगी और जो उसका मुख्यमंत्री का पद का प्रत्याशी होगा उसकी सब ईमानदार होगी, वो कर्मठ व्यक्ति होगा, वो देशभक्त होगा। इस बात को मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में कैचअप चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हलचल थी यहाँ पर पैदा हो गई है कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड है जो प्रवासी भी नहीं है, जो आम लोगों के बीच रहने वाला है, जो कर्मठ है और जो देशभक्त है और जो ईमानदार भी है, ये सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। इसके साथ आम आदमी पार्टी देखते उत्तराखंड में अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। आप 20 साल के उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ही वर्चस्व उत्तराखंड में रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार कभी कांग्रेस की सरकार, आज भाजपा की उत्तराखंड में सरकार है। जबकि सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान जरूर किया है, आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि उत्तराखंड में 70 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी जमीन अपनी चला रही है। हम आम आदमी पार्टी की पार्टी उत्तराखंड में संगठन नहीं है, एक ढांचा मजबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में हम कह सकते हैं कि वे उनके कुछ लोग सोशल मीडिया में लगातार आरोप प्रचार और भाजपा कांग्रेस पर प्रहार करते रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया की टीम तो कह सकते हैं कि मजबूत है, लेकिन जमीन पर आम आदमी पार्टी कभी नजर नहीं आ रही, उसे पाव पसारने की यहाँ पर जरूरत है। यह जरूर है कि उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस का तीसरा विक्रम जरूर आम आदमी पार्टी के रूप में उत्तराखंड की जनता को इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन सत्यता यह कि आम आदमी पार्टी के पास जो भाषा है जो रूप है वो दिल्ली का बड़ा आप बताते हैं। आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, मनीष सिसोदिया की बात की जाए वो कर दिया उत्तराखंड में मौजूद थे, उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य की बात करी, शिक्षा की बात करी, बिजली पानी की बात करी है, मुक्त की बात करी है, तो उसी को वो उत्तराखंड में जनता के आगे लाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं और कहते हैं कि जिस तरह केजरीवाल ईमानदारी भूमिका में दिल्ली में यहाँ पर सरकार चला रहे, उसी तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार चलाएगी अगर उत्तराखंड की जनता उन्हें मौका दी है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या आम आदमी पार्टी पहले अपने संगठन को मजबूत उत्तराखंड में कर पाएगी, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का संगठन यहाँ पर मजबूत नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में उसके 30 लाख से ज्यादा सदस्य उत्तराखंड में है जो उसने बनाए हुए हैं, प्रचंड अगर बात की जाए प्रचंड बहुमत सरकार की 57 विधायक यहाँ पर है।